and for being my lovely, for accepting the character lovely, and thank you for everything. इनको और बोलना है. अच्छा मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा प्रकाश जी, प्रकाश तिवारी जी फ्रॉम जेम्प्लेक्स. आइए प्रकाश जी. ये हमारे प्रोड्यूसर है. सो प्रकाश जी का ये नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड जेम्प्लेक्स, जिसपे हमारा ये शो 30th सितंबर को यू नो इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग. और अभी हम जो ट्रेलर आपने अभी देखा ही है बाहर, हमने जो ट्रेलर हमारा ऑलरेडी आउट हो गया है, लॉन्च हो गया है, और 30th से हमारे इस चैनल पे सारे एपिसोड्स, जो कि 6 एपिसोड्स हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे. तो यस, नाउ टू प्रकाश जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम एंड स्पेशली ईशा जी. विदाउट हर दिस web series could not have been completed. She is playing the protagonist in this as lovely. She is running a dhaba, who is a widow of an army martyr, Captain Rupinder Dhillon. Yeah, तो उन्होंने बहुत बखूबी web series में अपना किरदार निभाया है. और ये जो web series है ये 6 episodes में divided है, और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दिया गया है, और वो जो कि बहुत अच्छे ढंग से उभर कर आया है. आई थिंक जब आप लोग इसे देखेंगे, और ये जेम्प्लेक्स का सबसे पहला प्रीमियर शो है जो 30th से चालू हो रहा है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि ईशा जी के साथ मिलके ये वेब सीरीज बनाए हैं, और ये बहुत जल्दी आपको 30th को देखने को मिलेगा. आप सभी को धन्यवाद, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. सबसे पहले सत श्री अकाल आप सब लोगों ने. आई होप खाना खा लिया हो, लस्सी पी ली हो. ऐसे कहा जाता है, गुरु साहब कहते हैं कि गुरुद्वारे में जाने से पहले लंगर चखना ज़रूरी है. हमारा पेट भरा हुआ चाहिए, उसके बाद ही आप जाके गुरु की सेवा करो, उसके बाद ही जाके आप गुरु के दर्शन करो. तो आप सब लोग यहाँ आए हैं हमारे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने आपका पेट भरने के बाद, खाना खाने के बाद, हमारा ये जो इंटरव्यू है उसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले ये किरदार मुझे मेरे डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने ही ऑफर्ड मी दिस रोल. मैं केनी को बहुत सालों से जानती हूँ, जब केनी सुभाष जी के साथ थे, सुभाष घई. तो सुभाष जी के साथ मैंने राइट या रॉन्ग और हेलो डार्लिंग काफ़ी फिल्में की थी, और केनी वॉज ऑलवेज देयर. हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, प्रोफेशनली हम लोग मिले थे, लेकिन एज अ डायरेक्टर मैंने केनी के साथ काम नहीं किया था. तो काफ़ी सालों बाद जब केनी ऑफर्ड दिस रोल टू मी, मुझे ये रोल बहुत ही अच्छा लगा. ख़ास करके लवली का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही लवली लगा. ये ऐसा एक कैरेक्टर है जो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली ऐसी इंसान है, सेवा भाव से वो अपना ढाबा चलाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं चलाती. और उसकी एक प्रिंसिपल है, उसका एक ये है कि ढाबे में जो भी आए वो भले उसके पास पैसे हो या नहीं हो, खाली पेट नहीं जाए. और आई वुड से शी इज़ लाइक अ फीमेल मुन्ना भाई. जो भी आता है वहाँ पे, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, और बहुत ही बखूबी से, सरल और सिंपल तरीके से लवली उसका एक उपाय ढूंढ लेती है विदाउट हर्टिंग एनीबडी. तो ये जो एक क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, विच रियली टच्ड माय हार्ट, विच आई फील हम हर एक इंसान में एक लवली होनी चाहिए जो हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. और ये भी एक रीज़न था जो मुझे विच काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी टू द स्क्रिप्ट. एंड ऑफ कोर्स एक नया OTT प्लेटफॉर्म, digitalization is the new it's the new era, everything is getting digitalized, so I said why not try this. So sab kuch ek saath aa gaya aur maine kaha chalo let me try this. Isha aapne
यस यस, हमने कोशिश की थी कि आज हम यहाँ पे ट्रैक्टर में, बिकॉज ईशा का इंट्रोडक्शन भी ट्रैक्टर में ही हुआ है जो पंजाब में जो मैंने शूट किया है, और उससे जुड़ा एक बहुत, इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। सो व्हेन आई वेंट टू ईशा, तो मैंने उसको बोला कि यार ये ऐसा एक शो है ऑब्वियसली, एंड शी इज़ प्लेइंग द यू नो सिखनी सरदारनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पंजाबी रोल उन्होंने पहले भी हरियाणवी किया हुआ है, और इनको मैंने बोला, मैंने आपको ना, मेरा मन है कि मैं आपको सरसों के खेत में इंट्रोड्यूस करूं, एंड ट्रैक्टर आप ट्रैक्टर में चलाती हो, ट्रैक्टर में आपकी एंट्री होगी। सरसों का खेत इज एवरी हीरोइन वांट्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सरसों का खेत, क्योंकि हमारा बचपन ही, हम लोग वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यशराज फिल्म्स, सो हमको सरसों का खेत इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, सो व्हेन केनी सेड सरसों का खेत आई वाज वेरी एक्साइटेड, शी वाज एक्साइटेड। ऑन द कॉन्ट्ररी हुआ क्या, जब मैं शूट करने पहुंचा पंजाब में तो सरसों की फसल कट चुकी थी, सो वी वर लाइक यू नो, मार्च में मैंने शूट किया था, एंड आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, यू नो मतलब एक तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था, और मैंने जो विजुअली सोचा था कि यू नो ईशा ट्रैक्टर में और सरसों खेत में वो इंक्रीज करूँगा, सो यू नो एंड ऑब्वियसली शी कुड रीड दैट, यू नो उन्होंने पूछा कि कैनी व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, मैं बोला नहीं नहीं इट्स फाइन, बट शी आस्क्ड, मैंने बोला कि यार वो सरसों जो है ना फसल ख़त्म हो गई है, तो शी यू नो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं नहीं चलो ठीक है, कैनी यू नो इसमें तू क्या कर सकते हो, यू नो इट्स फाइन। सो आई वॉज फिर भी यू नो मैंने गिव अप नहीं किया था, मैं वहाँ पे हमारे जो लाइन प्रोडक्शन में थे उनसे पूछा कि यार देखो कहीं पे कोई ऐसा खेत हो जहाँ पे कि यू नो सरसों भी बची हुई हो अभी कोई, यू नो अगर जहाँ पे कोई खेत हो जहाँ पे सरसों का कुछ पोर्शन बचा हुआ हो, तो उसने बोला नहीं सर अभी तो पॉसिबल नहीं, सारे पंजाब की फसल कट चुकी है। एंड आई रिमेंबर आई एम थैंकफुल टू माई ड्राइवर, तो मैं मेरे ड्राइवर वहाँ पे वो सुन रहा था, तो उसने बोला सर आपको सरसों का खेत चाहिए क्या, मैं बोला हाँ, तो बोला सर यहाँ पास में एक यू नो थोड़ा सा छोटा सा खेत है उसकी फसल कटी नहीं है अभी, सरसों कम है लेकिन सरसों खेत है, तो उसको तो मैंने एक्चुअली चुम्मी कर ली, मैं सही बताऊँ तो हक दिया उसको, मैंने कहा भाई सब काम बाद में पहले मुझे वहाँ लेके चल, और मैं वहाँ पे गया और मेरे नसीब में थोड़ी सरसों थी ऊपर वाले ने रखी हुई थी, और मैंने वो फाइनली फिर ईशा को ले जाकर, और हमने आई थिंक फटाफट गए और दो घंटे में उसको जाकर सरसों में इनका मैंने वो पोर्शन शूट किया। नाउ कमिंग टू द ट्रैक्टर इंसिडेंट जो आज बोल रही थी पारू, सो ट्रैक्टर का भी एक इनका था कि क्या नहीं मैं ट्रैक्टर तो कभी भी चलाया नहीं है, यू नो सो कैसे करेंगे, क्या यहाँ कुछ ट्रेनिंग मिले कुछ मिले, आई डिडंट हैव द टाइम, मैंने उनको वो भी नहीं किया, यू नो मैंने कोशिश की थी कि कुछ करूँ मैं, एंड देयर शी वाज ऑन द सेट्स, तो वहाँ पे ट्रैक्टर चलाना है, तो मैंने मतलब मैं मुझे होप थी कि चलो यार यू नो ड्राइव करती है तो ट्रैक्टर थोड़ा बहुत चलाएगी कुछ होगा, तो विल सी कि कितना होगा, कुछ रिटेक्स होंगे कुछ होगा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगेन कुछ नहीं हुआ, एंड ये बैठी और ये तो लाइक सरदारनी और बिल्कुल चटनी जो गेयर डाला और जो ट्रैक्टर भगाया, तो मैं देखता रह गया, मैं यार ये बंदी है कमाल है, सो इतना भी नहीं नहीं बट बहुत अच्छे से चलाया आपने, बिकॉज मैं देखा है, मैं लोगों को हाँ, जो मेल ड्राइवर वाला था वहाँ पे उन्होंने एक दो बार चलाया, और मैं गाड़ी वैसे चलाती हूँ, इधर बॉम्बे में हम लोग ट्रैक्टर कहाँ चलाते हैं, so yes these were two incidents jo ki you know it's very special for me. So Isha, you were looking forward, were you like nervous or you were excited? I was very excited and I'm always very excited to play new characters. Har kisi ko wahi character karke, aur maine sare characters bhale wo filmon mein ho ya abhi web, abhi aur ek meri web aa rahi hai, every characters always been different, वो सेम चीज़ करके हम भी बोर हो जाते हैं और आप लोग भी वही देख के बोर हो जाते हो, पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है, सभी में आप सेफ एक्टिंग कर रहे हो, सभी में आप सेफ दिख रहे हो, सो आई डोंट वॉन्ट बी वन ऑफ दोज, मुझे हर चीज़ अलग करनी है, एक्चुअली दैट्स रियली नाइस, हमारी हर एक एपिसोड जो है ये खासियत है, खाने के नाम से और एक खाने बट खाने से जुड़ी हुई, एक तो ढाबे का पूरा सेटअप है, एक हमारा हम बोल सकते एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है टिफिन, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है हाफ प्लेट, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है लस्सी, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है सिमरन भाग्य, सिमरन भाग्य खाना नहीं है वो फर्स्ट है, और एक है हरी चटनी, एक है जिसका नाम है हरी चटनी, सो एवरी थिंग इज मतलब कनेक्टेड टू फूड, और आपको समझ में आ जाएगा जब आप सीरीज देखोगे कि फूड को हम लोगों ने कैसे अमेलगमेट किया है इन स्टोरीज में, एंड ईच स्टोरी इज डिफरेंट,
एक कहानी लवर्स की है, एक कहानी बाप बेटों भाइयों की, हाँ फादर की है, एक कहानी सुपरस्टिशन पे है. तो हमने मुद्दे भी लिए हैं कि यू नो जो सुपरस्टिशन हो या प्यार हो या पारिवारिक फैमिलीज में झगड़ा तकरार वो जो होता है. सो इट्स रियली इट्स आई थिंक इट्स गैमेट ऑफ इमोशंस. एवरी एपिसोड हैज इट्स ओन सेंस एंड सिग्निफिकेंस. एंड इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज क्या है कि जो हमारी बाकी की कास्टिंग थी ना, ऑल द एक्टर्स वर फ्रॉम पंजाब, सब पंजाब से थे. एंड देयर वर ऑलमोस्ट लाइक 24 एक्टर्स. तो वो 6 एपिसोड्स में लाइक शी वाज सेइंग कि हर एक कहानी एक एपिसोड में. सो ईशा एंड जो मेरे बाकी के जो तीन जो ढाबे का जो स्टाफ है, जो एक्टर्स हैं, दे रिमेन्स द सेम. बाकी हर कहानी में एक्टर्स चेंज हैं. और इतना मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज वो एक टाइम फ्रेम था बहुत ही. सो एवरी डे आई हैव टू शूट अ एपिसोड. और मेरे पास जो एक्टर्स होते थे, पर पंजाब के भी काफ़ी बिजी एक्टर्स हैं एक्चुअली. नो दे आर आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड. एंड मैं आज हालांकि बॉम्बे में हूँ, लेकिन मैं आई सिंसियरली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ कॉपरेट किया. दे वर अमेज्ड बाद में सी उनके लिए भी था कि दे आर वर्किंग विद ईशा. एंड यू नो दे वर क्वाइट एक्साइटेड. और हालांकि दे आर यू नो सीनियर इन पंजाबी इंडस्ट्री, बट फिर भी वो मुझे बोला था उन्होंने कि यार यू नो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यू नो फ्रॉम द को एक्टर फ्रॉम यू नो आई मीन आई शुड नॉट से बट वो कॉम्प्लीमेंट मुझे भी उन्होंने दिया कि हमने जो 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 प्लानिंग करके जो चलता था मैं. सो लाइक आई सेड कि एवरी डे एपिसोड आई हैव टू अचीव, है ना. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था. मैं कुछ बताना चाहती हूँ. सुभाष जी से कैनी ने एक खास बात सीखे. अगर आप सब लोगों को पता होगा, सुभाष जी हर एक अपनी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करते हैं तो कैनी ने भी इस सीरीज में एक स्पेशल अपीयरेंस किया है. कैनी का फोटो दीवार पे टंगा हुआ है. ही प्लेज माय लेट हस्बैंड हु हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर नेशन एंड देन ऑब्वियसली आई एम फ्रेम्ड इन द ढाबा. यस. तो मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मार्टर. जो डायलॉग आप लोग देखते हैं, I'm a martyr's wife. So I'm this martyr's wife. So first song is been something that everybody looks forward to, and you have looked lovely in the song that there is there in the film. So what was the whole you know special uspe planning ki gayi? Lassi song. Yes. Uspe aisa tha ki it's a very youth centric song, aur humne kafi aaj ke काफ़ी आज के जो जिस टाइप के गाने होते हैं उसको जहन में रखते हुए शायद ये गाना बनाया है. क्योंकि आज के सारे गाने अल्कोहल पे, करंट सिचुएशंस थोड़े लाउड होते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग द यूथ गेट्स मिसलेड. यूथ को भी अच्छा लगता है. यूथ इज़ आई थिंक स्मार्ट इनफ नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर देम. लेकिन इसमें ऐसा है कि लवली चाहती है कि यूथ एक कुछ ऐसे एपिसोड में होता है जिसके वजह से लवली को लगता है कि यूथ को ऐसे गानों की ज़रूरत है. और वो मिसलीड हो जाते हैं अदरवाइज़ वैसे वाले गाने सुन के. सो शी जस्ट आस्क्स कि एक किसी को पॉप सिंगर को कि आप ऐसा कुछ बना क्यों नहीं लेते. तो वो ही इज़ एक्चुअली अ रेनाउंड सिंगर जो अल्कोहल पे और जो विस्की पे और जो वटका पे और ये सब गाने बनाते हैं. एंड देन बनाता है एंड देन सडनली ही मेक्स लवली की बात सुन के वो एक गाना बनाते हैं. तो वो जो गाना है वो काफ़ी पॉपुलर सेट पे ही हो गया था. एवरीबडी वॉन्टेड टू लिसन टू दैट सॉन्ग अगेन एंड अगेन. तो मुझे याद है वो शूटिंग हमने स्टार्ट की थी उस एपिसोड की 7 बजे सुबह, और हम लोग अगले दिन 4 बजे सुबह तक शूटिंग कर रहे थे. और मार्च में मुझे नहीं लगा कि चंडीगढ़ में इतनी ठंडी होगी, बट इट वॉज क्वाइट कोल्ड. सब लोग कुड़कुड़ हो रहे थे. तो वॉज अ ग्रेट शूट. शॉर्ट टकीला भूल जाओगे जग पी के लस्सीदा, मतलब आप टकीला शॉट भूल जाएंगे लस्सी पी के. तो मैं इनफैक्ट यहाँ पे जो अभी हम जो द ग्रेट इंडियन ढाबा है इनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो है ना अभी हम जब आए तो हमको लस्सी सर्व करी है, लस्सी पिलाई. तो ये मैं बोल सकता हूँ. देखिए पंजाब जो है ना, लोग बहुत पंजाब को जानते हैं कि पंजाब में शराब और दारू और ना बहुत अच्छा कल्चर है. हमने उसको भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि लाइक शी वॉज सिंगिंग कि तेनू शॉट टकीला भूल जाओ, आप टकीला का शॉट भूल जाएंगे. वेख जग पी के लस्सी दा, कि लस्सी का ग्लास एक जग पी के देखो, तेनू शॉट टकीला भूल जाओ, वेख जग पी के लस्सी दा.
तो वो मैसेज भी दिया है, बिकॉज जैसे लाइक शिव सिंह की हमारे जो एपिसोड में पॉप स्टार हैं जो गलत वरेश वहाँ जिन्होंने गाना गाया है, तो कुछ यूथ है जो उनको फॉलो कर रहा है कि यार वो गाने जो है ना हमेशा लिकर पे बनाते हैं, शराब पे बनाते हैं, जबकि वो खुद शराब नहीं पीते हैं। एंड देयर लवली कम्स एंड लवली सेज टू हिम कि यार आप खुद लस्सी पीते हो और गाने बनाते हो शराब पे, और यूथ आपसे इंस्पायर होता है ना, तो आप कुछ लस्सी पे क्यों नहीं बनाते हो? तो वो जर्म जो है ना वो लवली डालती है, और वहीं पे जो वो पॉप स्टार है जो हमारे एपिसोड में है वो लस्सी पे गाना बनाता है, जो कि लस्सी सॉन्ग आज हमारा आउट हो चुका है। सो यस, दैट इज कॉल्ड लस्सी सॉन्ग। इट इज सो स्ट्रेंज बिकॉज आई टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लेजिंग कि हम जो चीज खुद ही करते हैं हमको वही एज सेलिब्रिटीज हमको वही लोगों में एडवोकेट करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, बुरी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं अच्छा खाना खाती हूँ और मैं अच्छा मतलब लाइफस्टाइल जी रही हूँ तो मुझे वही एडवोकेट करना चाहिए, ना कि मुझे कुछ गलत चीज़ें हमारे यूथ को व्हाट इज़ दैट वर्ड एंडोर्स, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो लवली इनको एक्चुअली ये पॉप सिंगर को कहती है कि आप खुद नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक योरसेल्फ और आप ऐसे गाने बना रहे हो, तो व्हाई नॉट मेक सॉन्ग्स व्हिच आर मोर एनकरेजिंग टू द यूथ। ईशा वुड यू लाइक टू सिंग यू नो यू हैव टू आई कांट आई सेड ना एक शॉट टेकीला भूल जाओ एक जग पी के लस्सी दा right. मुझे इतना ही आता है और मुझे याद है मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं। नहीं नहीं बस पंजाब दो तीन चीजों के लिए फेमस है, छोटा हरियाली खाना। मुझे पंजाब बहुत पसंद है, मैं पंजाब हर साल जाती हूँ, साल में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं 2-3-4 बार हरमिंदर साहब मत्था टेकने ज़रूर जाती हूँ। और पंजाब का खाना मुझे बहुत पसंद है, पंजाब की लस्सी मुझे बहुत पसंद है मक्खन मार के। यस, और पंजाब कंप्लीट फूडी, वो एक्टर ज़रूर हैं बट ये बहुत अपनी डाइट को लेकर के जो है ना कुछ नहीं, कोई नहीं, सब क्या कुछ नहीं, कोई नहीं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, जब खाना चाहिए मैं खाती हूँ और जब जिप तो जिप बस। अच्छा क्या-क्या खाना बनाने सीखे? मैं खाती हूँ में देखा ये सवाल मुझे ऑफ द कैमरा कीजिए आप। बाइक नहीं है ये ट्रैक्टर है। हाँ हर दिन कास्ट अलग थी एपिसोड वाइज, लेकिन बहुत अच्छी वहाँ की उमदा पंजाब के एक्टर्स थे सब, सो हर किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत लाइट कॉमेडी जिसको हम लोग लाफ्टर क्राई ड्रामा बोलते हैं LCD वैसे था, तो आई एंजॉयड अ लॉट। और वहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कौन है, वो नाचते हैं वो सनी गिलपा जी हैं, एक बनिंदर बनी है, नहीं नहीं वो CP सीपी, हाँ वो तो मस्त कैरेक्टर है, क्या नाम था? So, उसका नाम है मेहताब वर्क, देयर इज अ यू नो थिएटर का एक्टर है, इज अ वेरी न्यू एक्टर, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है बिहारी, उसका नाम है चुटकन प्रसाद मिश्रा, तो उसको सीपी बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और उसका जो कलीग है जो वहाँ पे एक्टर है बनिंदर बनी, हाँ वो क्या पा 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 पे उसकी सुई अटकी है, उसकी तो इन दोनों की नोकझोंक चलती रहती है जो आपको वो भी देखने को मिलेगी। और वो उसको बोलता है सीपी मतलब कंप्लीट प्रॉब्लम, तो नाम उसका छुटकन प्रसाद है बट बोलता है पाजी ये ना कंप्लीट प्रॉब्लम है, सीपी है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा, प्रॉब्लम वो भी नहीं बोल सकता कंप्लीट प प प ओ वो तीन जो और एक पापा जी हैं सनी गिल, हां सनी गिल इज आल्सो अ वेरी फेमस एक्टर, तो मुझे बहुत मजा आया, मतलब कॉमेडी लाइट ड्रामा ये सब करने के टाइम ना, एंड स्पेशली व्हेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। पंजाब के एक और प्रॉब्लम ड्रग्स जो आपने इसमें दिखाया भी है सीरीज में, राइट, तो कितना रिसर्च आपने किया था इस बारे में, क्योंकि काफी फिल्में भी बनी हैं और इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे बोलते तो आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि हर किसी को से देखिए ड्रग्स का प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन दैट्स द नॉर्थ, वहाँ पे जैसे उड़ता पंजाब में भी दिखाया है ड्रग्स की, वहाँ बहुत ही यूथ को बहुत ही एक आई थिंक इट्स इन नॉट सच अ गुड शेप, तो वो मुद्दा हमने उठाया है। सो एंड अगेन दैट एक्टर जिसने वो जिसको मैंने जपतेज सिंह, अगर आप लोगों को शायद याद हो भाग मिल्खा भाग में जिन्होंने फरहान अख्तर का जिसका चाइल्डहुड रोल किया था, तो ही इज़ प्लेइंग यू नो इन दैट एपिसोड, सॉल्ड टिफिन एपिसोड,
उसमें उसने जो ड्रग एडिक्ट का जो रोल प्ले किया है, तो वो भी बिकॉज लाइक यू सेड बहुत सही बात है कि पंजाब एक्चुअली वो अभी उस चीज़ों में गुजर रहा है, तो भी हमने कोशिश करी है बिकॉज हमारे एपिसोड्स 15 से 16 मिनट के ही हैं, तो उस छोटे छोटे ड्यूरेशन के एपिसोड्स में हमने यू नो एंटरटेनिंग वे में मैसेजेस दिए हैं। हमने सिर्फ मैसेज दिया है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक आई शुड आई ओनली होप दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज समथिंग। आप मेकआउट कर सकते हैं गाने के अंदर ही, जो आदमी हमेशा शराब वगैरह के ऊपर गाने गाते थे, तो उन्होंने इंस्पायर किया, उनको बोला तो उन्होंने लस्सी के ऊपर बनाया, तो जान इसीलिए कि ये सब चीज़ों से हम दूर रहें और अच्छी चीज़ों को एडवोकेट करें दूसरे के लिए। मैं यही कहूँगी, आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कंटेंट के बारे में बात करें, दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को कंटेंट समझ में, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फिल्मों में भी मिल रहा है, ओ टी टी पे भी मिल रहा है। ओ टी टी का बस यही है कि ओ टी टी आप अपने हिसाब से कहीं भी किधर भी एट योर स्पेस योर टाइम आप देख सकते हो, बस यही है। और कंटेंट यस, काफ़ी एक्टरों को अपनी टैलेंट दिखाने के शोकेस करने का मौका भी मिल रहा है, ये भी है। ओरिजिनल्स भी बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमारे ऑडियंस भी बहुत मतलब दे बिकम वेरी इंटेलिजेंट, दे ऑल्सो वॉन्ट डिफरेंट काइंड ऑफ दे वॉन्ट एक्सपेरिमेंट, उनको अलग अलग कॉन्टेंट अलग अलग स्क्रिप्ट चाहिए, वो बोर हो गए पुरानी चीज़ें देख के। अभी क्या होता है कि अभी हमने जिसमें मेहनत करी है, अभी इसका हम देख लें क्या रिजल्ट आता है और कैसे आगे होता है, बाकी फिर एज यू नो देखेंगे। नॉर्मली ये होता है वेब सीरीज का कि सब लिखा हुआ रहता है, प्रोबेबली उसका जो सेकंड सीजन स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, मैंने किसी का ट्रेंड फॉलो नहीं किया है, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो मैं बनाना चाहता था, और मैंने ये शूट भी जो किया है, वहाँ का रियल ढाबा है पटियाला हाईवे पे, जो मैंने अपने इसमें भी मैंने पटियाला हाईवे ही दिखाया है, शूट भी मैंने वहाँ किया है और बहुत नेचुरल तरीके से शूट किया है। मतलब ये मैंने कोई बहुत वो जिब शॉट्स और क्रेन शॉट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव जस्ट शॉट सिंपलिसिटी के साथ में और सरल तरीके से। नहीं नहीं, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि हर एपिसोड, जैसे अब ड्रग का एक मुद्दा है, एक मुद्दा सुपरस्टिशन का है, तो ये हर वो मुद्दे हैं जो कि आपके साथ हमारे साथ में हम भी वहम करते हैं, बिल्ली आगे से रास्ता काट जाए हम वहम करके रुक जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब ड्रग हो गया, ये हो गया, शराब हो गई है ना, एक एपिसोड जो है जो भाइयों की तकरार है, तो वो एक अब हर घर में तकरारें भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिखाया कि यार आप इसको एक बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करोगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। आपका जो लवली का ढाबा है, ये 6 तरह के जो अलग अलग कहानियाँ हैं, उनको कैसे कोरिलेट करते हैं? कोरिलेट ये करते हैं बिकॉज लवली ही हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालती हैं। बिकॉज लवली में वो क्वालिटी है कि ये खाली ढाबा, जैसे इन्होंने बताया था कि ढाबा खाली अपने किचन के लिए नहीं चला रही हैं, ये एक सेवा भाव से चला रही हैं, बिकॉज इनके जो हस्बैंड थे जो शहीद, उन्होंने जो यू नो शहादत दी थी, उस पर इनको बहुत फ़ख्र है। ये अगर देखेंगे तो ये बहुत ही फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, और कोई अगर ढाबे पर आके बोलता है तो ये बताती हैं कि यार मैं एजुकेटेड वुमेन, मैं ढाबा, मतलब ये नहीं कि मैं ढाबे वाली हूँ, मैं आई नो हाउ टू डील पीपल, आई कैन गिव द सॉल्यूशंस, वो सब इनके पास है ये। और इसी तरीके से जो हमारा जो प्रिमाइस है, जो ढाबा, इट रिमेंस द सेम, कहानियाँ अलग होती हैं, लोग किरदार आते हैं और उनका कैसे वो सॉल्यूशन निकालती हैं अपने खाने के तरीके से, बिकॉज ये अच्छा इनका जो यू नो इनका एक कमाल है, जैसे एक कैरेक्टर बोलते हुए कि आपके हाथों में ऐसा शफा है कि आप तो खाली अगर दाल में उंगल डाल दो ना तो दाल स्वाद हो जाती है, तो वो शी इज़ ब्लेस्ड विद दैट क्वालिटी है ना, वो अच्छी खाना तो बनाती हैं बट प्रॉब्लम्स भी अच्छा उनको निकाल सकती हैं, सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के। लोगों की सोच कितना बदलेगी इस सीरीज के आने के बाद, क्योंकि पंजाब के इशू पे कुछ कुछ रिलेटेड है, मैसेज कितना दे रही है? देखिए, कोशिश तो हमने एक एंटरटेनर बनाने की हमारी कोशिश रही है, और हर एक एपिसोड के साथ एक मैसेज है, तो ये हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया है कि हमको लोगों को कुछ सिखाना है, इट्स जस्ट अ मैसेज।
जो समझदार है, जैसे बोलते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो जिसको समझ में आए समझ में आए, जिसको नहीं समझना हो क्या कर सकते। फाइनल टू क्वेश्चंस पर फिक्सर भी आ रही है, उसके लिए कितने एक्साइटेड है। 7th ऑफ अक्टूबर वो भी देखा जाए तो फिर विद इन वन वीक में ही आ रहा है दोनों सीरीज, क्या करना है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों में मेरे किरदार बिल्कुल अलग है। फिक्सर में मैं पूरी मराठी कॉप हूँ, कॉमेडी का फ्लेयर है लेकिन है थ्रिलर, और जो मलिक उसमें जो कॉप है मेन फिक्सर कॉप, उसके साथ मैं भी फिक्सर हूँ, बॉम्बे की कॉप हूँ, और बालाजी के साथ बहुत सालों बाद और एक कॉप करने का मौका मिला है मुझे प्ले करने का, वो भी मेरा रोल जो क्या कूल है हम में था, लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। उसमें मैं उर्मिला मारतोड़कर थी, इसमें मैं जयंती जावड़ेकर हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी अलग ही किरदार है, तो अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। जैसे मैंने कहा नॉर्मल इज़ बोरिंग, सेम सेम करने में मैं बोर हो जाती हूँ। फाइनली गली बॉय ऑस्कर में एंट्री मिल गई है उसे, गली बॉय टेक्निकल उसके। ओह गली बॉय, यस मुबारक। और क्या कहूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि हमारी एक फिल्म उसको ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। और क्या कहना चाहोगे, आई होप मिले ऑस्कर भी मिले, यही कहना चाहूँगी। आई रियली लव द फिल्म एंड माई बेस्ट विशेज टू गली बॉय। सबसे पहले मैं मेरे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो 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 मच फॉर द लव। आप लोग हमेशा मुझे पूछते आए हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं, फाइनली ईयर यू नो एक साथ मेरे दो सीरीज़ आ रहे हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स दैट दिस इज़ हैपनिंग वंस अगेन। एंड आप प्लीज़ जेम्प्लेक्स पे लवली दा धाबा और ओल्ड बालाजी एंड Z5 पे फिक्सर, मुझे गारंटी आप बहुत एंजॉय करोगे। दोनों बहुत ही अलग किस्म के एंटरटेनर्स हैं एंड आई एम श्योर यू गोना लव बोथ द सीरीज। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी एंजॉय एंड थैंक यू। थैंक द ब्रांड इंडियन ढाबा, द ग्रेट इंडियन, एंड आई वुड आल्सो लाइक ढाबा ही मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ मैंने रिलेट कर लिया ढाबे से ढाबा। और ट्रैक्टर रह गया कोई बात नहीं, आप विजुलाइज कर लेना ट्रैक्टर भी, यू नो हम मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ कि ईशा की एंट्री ट्रैक्टर पे हुई है, पोस्ट में डाल दो। सो यस, और ज्यादा से ज्यादा इनके जो शोज हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो much. Oh.